नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहु। आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 122वें श्लोक पर अपनी चर्चा प्रारंभ हो रही है। इस श्लोक में मूर्छा के संबंध में जो वर्णन किया कि मूर्छा ही परिग्रह है, स्वरूप की जागृति न होना ही मूर्छा है। ज्ञानी को प्रत्येक संयोग एवं संयोगी भाव के काल में स्वयं की त्रिकाल शुद्ध चैतन्य सत्ता की जागृति रहती है। जागृति रहती है अर्थात प्रति समय एकत्व रहता है। जागृति का अर्थ विचार नहीं है, जागृति का संबंध ज्ञान के साथ नहीं है, विचार के साथ नहीं है। जागृति का संबंध श्रद्धा के साथ है, मान्यता के साथ में है। और इसी कारण से ज्ञानी को प्रति समय जागृति रह सकती है, क्योंकि विचार तो बदलते ही रहते हैं, परिणाम पलटते ही रहते हैं, पलटते ही रहते हैं, परिणमित तो होते ही रहते हैं, इसीलिए तो उन्हें परिणाम कहा है कि जिसमें निरंतर परिणमन होता ही रहे, जो कभी रुके ही नहीं, ठहरे ही नहीं, वही परिणमन है, वे परिणाम है। और परिणाम का अर्थ जागृति नहीं है। वह जो श्रद्धा, वह जो मान्यता एक समय में निर्विकल्प अनुभूति के फल स्वरूप प्रकट हुए चैतन्य तत्व में एकता, यह एकता ज्ञानी को सदा काल रहती है। और इसी के संबंध में हमने कल थोड़ी चर्चा की थी कि ऐसी एकता चैतन्य तत्व में न होना और आत्मा की अवस्था, आत्मा का अंश किसी पर पदार्थ और प्रभाव को अपना माने, तब आत्मा की पर्याय मिथ्यात्व रूप परिणमित होती है। मिथ्यात्व रूप परिणमित होने वाली वह पर्याय, वह मलिनता, एक तो मलिनता क्रोध मान माया लोभ के विकारी भावों की मलिनता, और एक मलिनता क्रोध मान माया लोभ के भावों को अपना मानने वाली मलिनता, ये जो है ना, इस मलिनता का नाम मिथ्यात्व। और खास रहस्यपूर्ण बात यह है
कि जो चैतन्य सत्ता है, जो अनादि अनंत ज्ञान का घनपिंड, ऐसा यह भगवान आत्मा है। इस भगवान आत्मा में पर द्रव्य तो दो, जैसे पर द्रव्य में मित्र है, शत्रु है, ये पर द्रव्य। पर द्रव्य में मित्र और शत्रु, ये तो दूर। मित्र और शत्रु के प्रति होने वाला राग द्वेष का ये भाव भी दूर। ये राग और भाव को अपना मानने वाला जो भाव, उस भाव का नाम मिथ्यात्व। वह मिथ्यात्व भी चैतन्य तत्व की सत्ता से अत्यंत दूर। और ऐसा जो चैतन्य तत्व कि जिसमें ये प्रति समय निरंतर ये जानना 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 ये जो कार्य हो रहा है, जिसमें मित्र शत्रु भी नहीं, जिसमें राग द्वेष भी नहीं, जिसमें मिथ्यात्व भी नहीं, ऐसा जो ये निरंतर होने वाला ये ज्ञान का परिणमन, ये जानना 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 ऐसा जो परिणमन, जैसे नदी किनारे से नफरत नहीं करती, नदी किनारे से रिश्ता नहीं जोड़ती, ऐसी ही ये ज्ञान की अवस्था है। ऐसा ही ये अनादि अनंत ज्ञान का प्रवाह है। ऐसी ही ये अनादि अनंत ज्ञान की धारा है। इसे धारा कहा, ये ज्ञान की धारा सहज बहती है, तरंग नहीं, ज्ञान की धारा। सागर की तरंग, विकल्पों की तरंग, विकल्पों की तरंग कही और ज्ञान की धारा कही, क्योंकि विकल्पों में बढ़ना घटना तारतम्यता उसमें ऐसी होती है। जिसमें तरंग कहा है ऐसा भगवान के प्रति भक्ति का भाव, भक्ति का भाव आया, भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, फिर ऐसा लगा कि बैठ जाए, फिर लगा कि अब यहां से उठ जाए, ये विकल्प। और जो आनंद है अज्ञानी को, उसमें भक्ति का आनंद कहीं पर भी नहीं है। स्वयं के विकल्पों की पूर्ति का ही आनंद है, है अर्थात मानता है। विकल्पों की पूर्ति का आनंद वह मानता है और उस आनंद में यह मानना कि मैंने परमात्मा का आनंद लिया, ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व है, ये अधर्म है। ये अधर्म प्रति समय हो रहा है, मगर वो मानता है कि भगवान की भक्ति का मुझे आनंद आ रहा है, भगवान की भक्ति, भगवान में मैं इतना लीन हूं, वो आनंद मुझे आ रहा है। वो आनंद, भगवान की भक्ति का आनंद जो है, वो अपने विकल्पों की पूर्ति का आनंद है। और उसका पता कैसे चलेगा? जैसे मंदिर में तुम गए, दरवाजे पर तुम खड़े, मंदिर में 100 लोगों की भीड़, तुम्हें भगवान दिखते नहीं, भगवान अभी नहीं दिखाई दे रहे, बेचैनी हो रही है, इतने सारे लोग बीच में खड़े हैं, तो आपने थोड़ी जगह बनाने का प्रयास किया, अंदर घुसे, फिर थोड़ा धक्का दिया इधर उधर, फिर अंदर गए, अंदर गए कि अभी भगवान नहीं दिखते, भगवान नहीं दिखते, भगवान नहीं दिखते। और जब उस भीड़ को चीर कर आप अंदर पहुंचे और फिर आपको भगवान के दर्शन हुए, आपको आनंद आया, आप आनंदित हुए, वो जो आनंद है वो भगवान का आनंद बिल्कुल नहीं, भगवान के साथ में उस आनंद का कोई संबंध ही नहीं। वो आनंद जो आ रहा है अभी,
ऐसा समझो कि 5 मिनट का समय लगा वो आने में, वो भीड़ में से भगवान तक पहुंचने में। तो आकुलता होती थी, दुख होता था, कब ये हटे, कब ये हटे, कब ये हटे, कब ये हटे, और फिर भगवान के दर्शन 5 मिनट बाद हुए। तो वो जो विकल्प 5 मिनट तक चलता था, कैसा विकल्प कि भगवान को देखना है, ऐसा विकल्प, भगवान को देखना है, ये विकल्प। 1 मिनट गई मगर अभी वो विकल्प की पूर्ति नहीं हो रही, 2 मिनट गई विकल्प की पूर्ति नहीं हो रही, 3 मिनट वो विकल्प की पूर्ति नहीं हो रही, 5 मिनट विकल्प की पूर्ति हो गई, आनंद आया। वो आनंद भगवान का नहीं है, वो जो विकल्प था उसकी पूर्ति का आनंद है। भगवान तो आनंद देते ही नहीं, वो विकल्प की पूर्ति का आनंद है। क्योंकि अभी दर्शन करने का प्लान करके गया 2 मिनट, अब 2 मिनट हो गए तो 2 मिनट के बाद 2 मिनट भगवान को दर्शन किए, 1 मिनट बीती, 2 मिनट बीती, अब आनंद आना चाहिए। भगवान सामने है, भक्त सामने है, भक्त को आनंद आना चाहिए। अब 2 मिनट के बाद में आनंद क्यों नहीं आता? भगवान तो है, क्योंकि वो 2 मिनट तक भगवान का आनंद ही नहीं था। वो विकल्प जो था कि भगवान का दर्शन करना है, उस विकल्प की पूर्ति हो रही थी, उसका आनंद है। और अब है कि बाहर निकलने का, अब भीड़ वही है, अब कब बाहर निकलूं, कब बाहर? तो फिर दुख, अब दुख हो गया कि भगवान के दर्शन करके इतना दुखी क्यों होता है? भगवान के दर्शन करके दुखी होता है नहीं, वो भगवान के विकल्पों की पूर्ति, कि भगवान के दर्शन करूं ऐसे विकल्प की पूर्ति। अब ये विकल्प दूसरा है, ये दूसरा विकल्प है बाहर निकलने का, और उस विकल्प की पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए अभी दुख है। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान की भक्ति का आनंद अज्ञानी को नहीं है, वो विकल्प की पूर्ति का आनंद है, और विकल्प की पूर्ति न होना यह दुख है। और ज्ञानी को यह जागृति है, विकल्प की पूर्ति के काल में भी और विकल्प की पूर्ति न हो उस काल में भी, विकल्प उस संयोगों में कहीं पर भी नहीं है, और मैं चैतन्य सत्ता उस विकल्प में और संयोगों में कहीं पर भी नहीं हूं, ऐसी जागृति के बल पर ज्ञानी को प्रति समय अलिप्तता रहती है, मूर्छा से मुक्त हुए है, ये वर्णन हमने अब तक किया। अब इस श्लोक में जो बता रहे हैं, संयोग अनुकूल है प्रतिकूल है, किस प्रकार के संयोग है, संयोग के अनुरूप हमारे आत्मा में भाव उत्पन्न होते हैं। वो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से अकर्ता वाला सिद्धांत यहां नहीं लेना, यहां जो दृष्टांत देकर के स्थूल रूप से समझाया है कि दूध और शक्कर में मधुरता के प्रति भेद की तरह इस लोक में निश्चय से कारण की विशेषता से कार्य की विशेषता बाधा रहित पने से अच्छी तरह से सिद्ध होती है। थोड़ी भाषा इसकी ऐसे लगेगी मगर इसका भाव जो है कि दूध में भी मिठास है और शक्कर में भी मिठास है। तो जैसा बाहर में संयोग है तो दोनों की मिठास मिठास में फर्क है। दूध में जो मिठास है वो मिठास कम है, शक्कर की मिठास ज्यादा है, तो दोनों की मिठास में फर्क है। तो मिठास की जो रुचि वाला है, तो जिसको कम मीठा चाहिए कि मीठा कम चाहिए, वो दूध की मिठास से ही संतुष्ट हो जाता है। ऐसा होता है ना कि किसी को दूध पीने के लिए दिया, अब उसे कहा इसमें शक्कर डालना है कि ना, जो दूध की मिठास है मैं संतुष्ट हूं। वो जो एक ने तो दूध में शक्कर डाले बिना ही दूध पी लिया, और दूसरे ने कहा कि ना मुझे तो शक्कर चाहिए, तो उसे शक्कर चाहिए माने उसका जो राग का भाव है, वो रस लेने का भाव है, वो पहले व्यक्ति से थोड़ा तीव्र है,
कि उसे उतनी शक्कर से काम न चला कि और ज्यादा शक्कर चाहिए। वो रसनेत्री को मुख्य करके यहां कथन किया। ऐसे ही रसनेन्द्री में आपने देखा हो मिर्ची इतनी तीखी लगती है, कभी कभी पानी पूरी की वो जो ठेला होता है या दुकान हो वहां पर पानी पूरी खाने वाले तो पानी पूरी वो बना करके देता है एक पूरी, अब उसने खाई फिर दूसरी पूरी खाई, अब पूरी दो पूरी खाई कि पसीना चालू हो गया, पसीना चालू हो गया, आंख में से आंसू चालू हो गए, इतनी तीखी बनी है। और कुछ कुछ लोगों को तो ऐसा तीखा चाहिए कि पूरी का पानी भी हो पूरी भी हो उसमें भी चटनी डालो, पूरी के अंदर अलग से चटनी, एक 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 पूरी में चटनी डालो, तो वो खाता है इतना पसीना आंख में से आंसू और शरीर भी कांपता है ऐसी हालत। और कोई पूछे कैसा है कि हाँ बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, कि ये पसीना आंसू और फिर मजा आ रहा है, ये लक्षण है आनंद का, लक्षण है आनंद में जो होता है वो ऐसा पसीना पसीना हो जाता है और आंख में से आंसू टपकने लगते हैं, ऐसा आदमी आनंद में। मगर उसमें भी उसका जो छुपी वो जो मान्यता है ना, वो मान्यता के बारे में बता रहा हूं कि शरीर कैसी भी स्थिति में हो, शरीर नष्ट होता हो, शरीर में पीड़ा भी होती हो, तीखा भी लगता हो, पानी न मिलता हो, तो भी उसमें मान्यता ऐसी है कि इसमें भी सुख है ऐसा। और कुछ लोगों को ऐसा देखा हो कि ये सब मैंने तो अपने जीवन में प्रयोग करके देखा है, मिर्ची का कि हरी मिर्ची हो, अब हरी मिर्ची में खाने में तो डाली है लाल मिर्ची, मगर अलग से हरी मिर्ची चाहिए। अब अलग से हरी मिर्ची चाहिए उसके ऊपर कहा कि नींबू डालो, मिर्ची के ऊपर हरी मिर्ची के ऊपर नींबू डालो तो अलग टेस्ट आएगा। और नींबू ही नहीं, कुछ कुछ लोगों को आदत होती है कि मिर्ची के साथ में नमक भी उसके ऊपर चाहिए, मिर्ची के ऊपर नमक, तो तीखा तो है ही ऊपर खट्टा नमक डाला तो तीखा भी स्वाद चाहिए, खट्टा भी चाहिए, खारा भी चाहिए। और किसके साथ ये खाना है कि करेले की सब्जी जो है उसके साथ में ये ज्यादा अच्छा लगे, मतलब कड़वा भी चाहिए। और ये सब खाने के बाद में ये तो खाया अब चैन नहीं पड़ता तो उसके बाद में सुपारी चाहिए, ये सुख बिल्कुल स्वाद जैसे सुपारी में। एक आदमी को मैं स्मरण में आया, मैं मुंबई से उमराल आ रहा था ट्रेन में, तो यही प्रकरण मेरे विचार में चल रहा था कि दूध का जो स्वाद है उससे ज्यादा स्वाद वो जो शक्कर में है, जिसको और स्वाद चाहिए वो एक चम्मच, ज्यादा स्वाद चाहिए तो दो चम्मच, पूछते हैं ना चाय के चाय में कितनी शक्कर, एक चम्मच दो चम्मच, तो ज्यादा शक्कर की रुचि वाला ज्यादा शक्कर के लिए कहेगा। तो एक भाई साहब मेरे सामने ही बैठे ट्रेन में और उन्होंने चाय वगैरह कुछ भी नहीं पिया, उसके पास में एक डिब्बी थी शुगर फ्री, ऐसी डिब्बी शुगर फ्री की पीले रंग की डिब्बी थी। तो मैंने सोचा कि इसने चाय भी नहीं पिया और कुछ भी नहीं दी, इसमें शुगर फ्री इसमें क्या होगा। उसने निकाला तो दो उसमें थे, एक तो शुगर फ्री, एक के अंदर थी सुपारी अंदर से निकाली और दूसरे पे तंबाकू शुगर फ्री, तो डिब्बे के अंदर बाहर से कोई देखेगा कि ये कोई बूढ़ा आदमी है होगा, कोई ऐसा डायबिटीज का पेशेंट कि शुगर फ्री रहता होगा तो ऐसा। और अंदर से जब निकाली सुपारी मैं देखते ही चौंक गया, मेरे पास में आज भी उसकी फोटो है कि शुगर फ्री उसमें कोई स्वाद नहीं होता, मगर स्वाद नहीं होता फिर भी उसमें रस आता है, उसका रस का कारण क्या है वो सब इस श्लोक में तुम्हें पता चलेगा।
क्या कारण होता है। तंबाकू का स्वाद, स्वाद कुछ भी नहीं होता, और सुपारी खाने की यदि आदत हो तो मैं सुपारी खाता था, खाता हूं, मैं सुपारी खाता हूं, सुपारी खाता हूं, सुपारी खाने की आदत हो, मैं जानता हूं तुम मानोगे नहीं मेरी बात को, जेठी मध आता है, जेठी मध, सुपारी खाने वाले जो है ना, सुपारी खाने की आदत जिनको हो गई उनको तुम जेठी मत दो ना, तो अल्टरनेटिव मिल गया कि सुपारी के बदले में जेठी मत नु लाकड़ू आवे ना, ये लाकड़ू तुम्हें खाओ, ऐसे छोटे लकड़ी के टुकड़े करके यदि वो खाओ तो अल्टरनेटिव मिल गया नहीं, मगर वो जमेगा ही नहीं। इसलिए तंबाकू खाने की जिनको आदत है उनको सिर्फ पान मसाला दो कि तंबाकू मत खाओ, क्योंकि दोनों प्रकार की आती है, वो आता है ना पान पराग, पान मसाला, पान पराग गुटखा, वो गुटखा वाले को पान मसाला जचेगा ही नहीं, वो गुटखा ही चाहिए, वो एक बार रस जो जीभ में जो छू गया है ना उसका कारण क्या होता है, उन सब वृत्तियों पर इस श्लोक में बताया गया। ये वर्णन जो, ये तो एक 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 रस के बारे में, रसनेन्द्रिय की वृत्ति के एक समय में, ये सब का कारण एकमात्र यही है, अंदर में खालीपन। जहां खालीपन होता है वहां ऐसा होता है, जहां खालीपन, जहां अकेलापन, अकेलापन जहां, अकेलापन, एकलो, ये एकत्व भावना है ना जो 12 भावना में, एकत्व भावना, एकत्व भावना का अर्थ अकेला नहीं होता, उसका अर्थ आपने कहीं सुना हो ना तो वो ठीक नहीं है कि एकला, अकेला, कि आत्मा अकेला ही रहता है, कोई किसी का नहीं है, सब अकेले आते हैं, अकेले यहाँ रहते हैं, अकेले यहां से जाते हैं, ऐसा अकेलापन, ऐसा नहीं। एकत्व का अर्थ है अनंत गुणों की एकता वाला, वो एकत्व एक भावना नहीं है, एक नहीं है, एकत्व है, एकत्व का मतलब अनंत गुणों की एकता वाला। जो बच्चे बचपन में अकेलापन महसूस करते हैं ना, कि सिगरेट पीने वाले कौन है, बीड़ी पीने वाले कौन है, ये वे ही लोग हैं जो बचपन में अंगूठा चूसते थे, ज्यादा अंगूठा चूसते, अकेलापन जहां ऐसा लगे, वो वृत्ति वही रही मगर बड़े होकर कैसे अंगूला अंगूठा चूसते ठीक नहीं लगता, मगर वो वृत्ति के कारण अब कोई ना कोई उसे ऐसा ही प्रकार का, उसकी वृत्ति का, उसकी पूर्ति करने वाला कोई ना कोई चाहिए, और वो खोज लेता है, ऐसा वो खोज लेता है। खाना, मुझे एक घटना अभी स्मरण में आई, खालीपन का एहसास जहां है, अकेलेपन का एहसास जहां है, अधूरापन जहां लगता है, जहां स्वयं की परिपूर्णता की जागृति नहीं है, जहां स्वयं की परिपूर्णता का अनुभव नहीं है, ऐसी जीवों की ऐसी वृत्ति होती है कि पराए के बिना नहीं चलता, ये अपने से जो संतुष्ट नहीं है वही अपने से संतुष्ट नहीं। आपने ये सुना हो कि पराई स्त्री की और कौन देखता है, जो अपनी स्त्री से संतुष्ट नहीं है, ऐसा ऐसे ही पर पदार्थों की ओर वही देखता है जो अपने चैतन्य तत्व से संतुष्ट नहीं है, ऐसा। प्रत्येक अग्नि के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में, ज्ञान के परिणाम में, ज्ञान का ही व्याप्त होना है, उस परिणाम में परज्ञेय की सत्ता कहीं भी नहीं है, ऐसी जागृति ज्ञानी को प्रत्येक ज्ञेय को जानने के काल में, ज्ञान की अवस्था के परिणाम के काल में,
प्रति समय बनी रहती है। यह जागृति ही धर्म है। रागादि विकारी भाव एक समय की ज्ञान की अवस्था में प्रतिबिंबित होते हैं, फिर भी ज्ञानी को यह जागृति है। जैसे केवली भगवान के ज्ञान में लोकालोक प्रतिबिंबित होते हैं, फिर भी केवल ज्ञान में मिले नहीं हैं, ऐसे ही ये रागादि विकारी भाव ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं, परंतु ज्ञान दर्पण में रागादि विकारी भाव मिले नहीं हैं। ऐसा जो निर्मल ज्ञान दर्पण अनादि अनंत चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूँ, यह जागृति ज्ञानी को प्रति समय रहती है, अज्ञानी उसका अभ्यास करता है। यहाँ इस श्लोक में इंद्रियों के विषयों का पोषण करने की बात यहाँ करते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को प्यास लगी है तो उसने पानी मंगवाया कि पानी दो, किसी ने उसे पानी दिया तो कहा कि ऐसा पानी मुझे नहीं चाहिए, मुझे ठंडा पानी चाहिए। जब किसी ने ठंडा पानी उसे दिया तो उसने कहा कि ठंडा नहीं चाहिए, उसमें ठंडे के साथ में कुछ मीठा डालो, शक्कर डाला हुआ ठंडा चाहिए, इसका मतलब शरबत चाहिए। तो ठंडा भी दिया और शक्कर डाला हुआ मीठा भी दिया, तो उसने कहा कि इसमें सुगंध नहीं है, गुलाब की सुगंध वाला चाहिए। तो सुगंध वाला शरबत बना करके दिया, नींबू का शरबत दिया, जो ठंडा भी था, मीठा खट्टा भी था, सुगंध वाला भी था ऐसा। और फिर उसने कहा कि इसमें रंग थोड़ा गुलाबी रंग चाहिए, तो उसमें रंग वाला भी, तो उसको रंग चाहिए, रंग भी डाल के दिया। क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय उसकी ये कहती है कि ठंडा चाहिए, रसन इंद्रिय ये कहती है कि मीठा चाहिए, घ्राण इंद्रिय ये कहती है सुगंधित चाहिए, चक्षु इंद्रिय ये कहती है गुलाबी चाहिए। और ये पीने के लिए कहाँ गया कि रेस्टोरेंट में गया, किसी होटल में गया, और फिर वो होटल वाले को कहा कि मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा गाना बजाओ ना, तो वहाँ पर टेप चालू करवाया, कैसेट चालू करवाया, कोई फिल्मी गाना बजाने के लिए कहा, गाना चालू किया। तो चमड़ी ये कहती है मीठा चाहिए, जीभ कहती है, चमड़ी कहती है ठंडा चाहिए, जीभ कहती है मीठा चाहिए, नाक कहता है सुगंधित चाहिए, आँख कहती है गुलाबी चाहिए, और कान कहते हैं कि संगीत सुनते सुनते चाहिए। और जब ये शरबत को, ठंडे शरबत को, मीठे शरबत को, सुगंधित शरबत को, रंगीन शरबत को पीता है, गाना सुनते सुनते पीता है, तब मन कहीं और होता है, किसी और को याद करता है। तो पांच इंद्रिय और मन के माध्यम से उपयोग जो पर पदार्थों में भटकता है, अज्ञानी उस उपयोग के भटकने के काल में अपने को आनंदित मानता है, सुखी मानता है, यही सबसे बड़ा भ्रम है। और उसके बारे में यहाँ कहा है कि दूध और शक्कर में मधुरता के प्रतिभेद की तरह इस श्लोक में निश्चय से कारण की विशेषता से कार्य की विशेषता बाधा रहित पने अच्छी तरह सिद्ध होता है। चमड़ी ये कहती है कि मुझे ठंडा चाहिए, जीभ कहती है
कि मुझे मीठा चाहिए, नाक कहता है सुगंधित चाहिए, आँख कहती है रंगीन चाहिए, कान कहते हैं गाना चलता रहे और ये पीना हो, तो गाना भी सुनते सुनते ये पीना हो, और मन कहता है कि विचार तो कहीं और का ही करूँगा। मन के निमित्त से ये शरबत पीते समय ठंडा मीठा सुगंधित रंगीन ये शरबत पीते समय मन कहीं और ही भटकता है, चित्त कहीं और ही भटकता है, और उसमें भी वह आनंदित होता है, आनंद मानता है। स्वयं की अपूर्णता की श्रद्धा के कारण ऐसी परतंत्रता अनादिकाल से रही है और रहती है, रहेगी। अपूर्णता के कारण अधूरापन लगा, इसलिए भीख मांगने वाली वृत्ति छुटती नहीं है। जैसे ही यह अनुभूति हुई परिपूर्णता की कि सहजीव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, कि पर पदार्थों से सुख को मांगने की, सुख की भीख मांगने वाली वृत्ति सहज ही छूटने लगती है। स्वयं की परिपूर्णता की जागृति के कारण कि मैं परिपूर्ण हूं, मुझ में कहीं अधूरापन नहीं, मुझे किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं, अनादिकाल से मेरा अस्तित्व, मेरी सत्ता, मेरा होना स्वयं के कारण है, देह के परमाणुओं के कारण मेरा अस्तित्व नहीं है, तो फिर देह की पकड़ मिट जाती है कि यदि ये देह नहीं रहा तो मैं कैसे रहूंगा। क्योंकि ये जाना कि देह के कारण मेरी सत्ता नहीं, क्योंकि 4 बजे जैसे किसी जीव को आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हुई, 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, तो 4 बजे जो अनुभव में आया भगवान आत्मा, वो 4 बजे वाला अनुभव में नहीं आया, 4 बजे की ये पर्याय, तो 4 बजे की पर्याय में जो अनुभव में आया है वो 4 बजे वाला आत्मा अनुभव में नहीं आया, वो त्रिकाल सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा 4 बजे अनुभव में आया। तो अनुभव में आया है वो पर्याय में अनुभव में आया है, अनुभव में आया है वो पर्याय में अनुभव में आया है, मगर अनुभव में जो आया है वो पर्याय नहीं, अनुभव में आने वाला है वो तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनुभव में आया है। तो ये जीव है, उस जीव पर ये रसगुल्ला रखा, तो रसगुल्ले का अनुभव कहाँ हुआ कि जीव पर, ये जीव पर रसगुल्ले का अनुभव हुआ। जब अनुभव रसगुल्ले का हुआ है, वो जीव का अनुभव नहीं है, वो रसगुल्ले का अनुभव है, तो उस समय पूरा अटेंशन कहां पर है। जैसे ही जीव पर रसगुल्ला आया तो जीव का तो विचार ही नहीं आता, वो रसगुल्ले में ही पूरा ध्यान केंद्रित हो गया है। ऐसा ये जब गर्म पानी में ऐसा हाथ आपने डाला और जैसे ही आपने कहा ओ बहुत गर्म है, तो ये चमड़ी का कोई विकल्प नहीं है, पानी गर्म है, तो अनुभव तो यहां चमड़ी में हुआ है, मगर जहां अनुभव हुआ वहां का विकल्प नहीं, जिसका अनुभव हुआ उस पर ही पूरा जोर है कि पानी बहुत गर्म है, पानी बहुत गर्म है, कार्य यहां हुआ है, गर्म का अनुभव यहां हुआ है, मगर पूरा जोर पानी पर है, बच के रहना वो पानी गर्म है, बच के रहना पानी गर्म है, यहां पर पूरा जोर नहीं है पानी, कार्य यहां हुआ है अनुभव का। तो ऐसे ही आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है, तो आत्मा को जानने का कार्य पर्याय में होता है, वो कार्य जैसे गर्म का अनुभव यहां हुआ मगर यहां जोर नहीं, किसी व्यक्ति को कहा कि पानी गर्म है, पानी गर्म है, तो आत्मा की अनुभूति का कार्य होता है वो पर्याय में होता है, अनुभव करने वाली पर्याय है, मगर पर्याय में अनुभव होता है फिर भी पर्याय पर्याय पर जोर नहीं देती, पर्याय में अनुभव होता है मगर जोर रहता है जिसका अनुभव हुआ उस पर। हाथ में कार्य हुआ है, गर्म का अनुभव हाथ में हुआ, मगर पानी 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 ये पानी ये पानी ऐसा, मिठास का अनुभव जीभ पर हुआ, मगर बार बार वो रसगुल्ले की ओर ध्यान जाता है, ये रसगुल्ला रसगुल्ला, कार्य यहां हुआ है, बार बार जीभ याद नहीं आती, रसगुल्ला याद आता है, कार्य भले जीभ पर हुआ, जोर पूरा रसगुल्ले पर है जिसका अनुभव हुआ,
कहां अनुभव हुआ यह महत्वपूर्ण नहीं है, किसका अनुभव हुआ यह महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही गर्म का अनुभव हुआ तब हाथ में अनुभव हुआ उस पर जोर नहीं है, वो पानी गर्म है उस पर। ऐसे ही निर्विकल्प अनुभूति जब होती है तब पर्याय का जोर पर्याय पर नहीं होता, पर्याय का जोर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर होता है और पर्याय में सहज कार्य होता है। ये इसमें बताते हैं कि आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति पर्याय पर जोर देने से नहीं होती, पर्याय में जो कार्य होता है, पर्याय में होने वाला कार्य पर्याय पर जोर देकर नहीं होता। कार्य भले जहां भी हुआ तो जोर पूरा उस पर है, जिसका अनुभव हुआ है उस पर पूरा जोर है। आत्मा की अनुभूति जिस समय होती है उस समय ऐसी दशा प्रकट होती है। पर्याय ज्ञान का विषय तो बनती है मगर पर्याय दृष्टि का विषय नहीं बनती। जब चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है उस समय क्या होता है ये थोड़ा समझो कि द्रव्य और पर्याय ये दोनों है। और जैसे समझो कि 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई और 4 बजे से लेकर 4:01 तक ये समझने के लिए अनुभूति हुई, तो वो जो 1 मिनट के लिए अनुभूति हुई उस समय कार्य जो अनुभूति का हो रहा है वो पर्याय में हो रहा है मगर पर्याय का जोर पर्याय पर नहीं है, पर्याय का जो जोर है वो द्रव्य पर है। पर्याय का जोर द्रव्य पर है और जब 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई 4:01 तक रही, अब 4:15 पर आपने लिखा या प्रवचन में बोला कि आत्मा की अनुभूति जब प्रकट होती है तब अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, तो 4:15 पर जो तुम लिखते हो कि अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है तो अतीन्द्रिय आनंद पर्याय है कि द्रव्य है? कि अतीन्द्रिय आनंद तो पर्याय है। तो जब अनुभूति होती है तब ध्यान अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय पर था कि त्रिकाली ध्रुव जिसमें परिणमन नहीं ऐसा ध्रुव उस चैतन्य तत्व की ओर ध्यान था? अब उसका रहस्य थोड़ा समझो तो ये बात समझ में आएगी। निर्विकल्प अनुभूति होती है तब निर्विकल्प अनुभूति के काल में दृष्टि का जो विषय है वो पर्याय से न्यारा चैतन्य तत्व है और ज्ञान का जो विषय है वो पर्याय सहित का पूरा द्रव्य है। ये दोनों का भेद समझना, दृष्टि और ज्ञान का, ऐसा ये भेद समझेंगे ना तो निर्विकल अनुभूति। क्योंकि जब 4 बजे अनुभूति हुई और फिर लिखा कि आत्मा की अनुभूति होती है तब अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है ऐसा ज्ञानी ने लिखा, तो अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है तो अतीन्द्रिय आनंद की ओर ध्यान था कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व की ओर ध्यान था? कि ध्यान जो था वो तो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व की ओर था, क्योंकि पर्याय की ओर ध्यान जाए तो विकल्प होगा, तो निर्विकल्प अनुभूति होगी कैसे? तो जब 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई तब दृष्टि जो थी ध्यान जो था वो तो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व पर था, तो अतीन्द्रिय आनंद का पता कैसे चला? कि पता चलता है वो ज्ञान में चला, तो ज्ञान का विषय पर्याय सहित का द्रव्य है और दृष्टि का विषय अकेला त्रिकाली ध्रुव द्रव्य है। ये दोनों का भाव समझो, ये निर्विकल्प अनुभूति चैतन्य तत्व की अनुभूति का स्वरूप ऐसा है।
काल ध्रुव चैतन्य तत्व दृष्टि का विषय, दृष्टि का विषय परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय, वो दृष्टि का विषय का शुद्ध ज्ञान का अंश है ना। दृष्टि का विषय एकमात्र चैतन्य तत्व, और ज्ञान का जो विषय है सारा जगत भी बने ना कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल ही भगवान के ज्ञान में लोकालोक प्रतिबिंबित होता है, तो लोकालोक ज्ञान का विषय बनता है। केवल ज्ञान की पर्याय में तीन लोक, अलोक, लोकालोक, त्रिकालवर्ती सब केवल ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है, तो केवल ज्ञान की पर्याय का जो विषय है वो सारा जगत बने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर केवल ही भगवान की दृष्टि का जो विषय है वो अकेला एकमात्र त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व है और कोई नहीं, पर्याय भी नहीं, क्योंकि पर्याय की ओर दृष्टि जाए तो पर्याय में एकत्व हो जाए। दृष्टि माने एकत्व, सम्यक दृष्टि माने आत्मा में एकत्व जिनको हुआ, मिथ्या दृष्टि अर्थात परद्रव्य पर्याय में एकत्व जिनको, तो ज्ञान का विषय सारा जगत बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर दृष्टि का जो विषय है वो अकेला ध्रुव चैतन्य तत्व है ऐसा। पर इसलिए प्रत्येक समय ज्ञानी के ज्ञान में जगत के अगणित ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, प्रतिबिंबित होने वाले ज्ञेयों के काल में ज्ञान की ये प्रति समय परिणमित होने वाली अवस्था में ध्रुव चैतन्य सत्ता की जागृति कि यह ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा यही एक ध्रुव 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 सत्ता मात्र चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, बस उसी में ज्ञानी की दृष्टि, दृष्टि अर्थात पकड़, एकत्व, श्रद्धा, अपनत्व, यही मैं, ये फिल्म के पर्दे पर दृश्य कौन सा दृश्य है उस पर जोर नहीं, कि वहां वह है ही नहीं जो दृश्य दिखाई देता है, वो वहां है ही नहीं। आग का दृश्य है मगर आग वहां नहीं, आग पहले कहीं लग चुकी थी, पर्दे पर नहीं है, और वो आग की अवस्था नहीं है, वो पर्दे की अवस्था आग जैसी है, वो अवस्था पर्दे की है। वो पानी समुद्र का वो दृश्य जो पर्दे पर, वो सागर की अवस्था नहीं है, क्योंकि सागर की अवस्था तो सागर में है, सागर जहां होगा वहां सागर की अवस्था होगी, सागर की अवस्था सागर में से बाहर कैसे निकलेगी। तो ये दर्पण, ये जो पर्दा जिसमें ये अवस्था है, वो अवस्था सागर जैसी है मगर है पर्दे की, है दर्पण की, ये अवस्था ये पर्दे की अवस्था है, और उसे तुम काटो कहीं पर भी पानी ना निकलेगा, उसमें कहीं पर भी आग ना निकलेगी, उसमें से कहीं से भी तुम्हें बाहर जो पदार्थ, उन पदार्थों का प्रतिबिंब, उन पदार्थों की अवस्था जो पर्दे पर होती है, उसे चीरने पर, काटने पर उसमें से कोई पदार्थ नहीं निकलेगा। कपड़े का पर्दा है तो कपड़ा ही कपड़ा मिलेगा, ऐसी ही ज्ञानी को प्रति समय जागृति रहती है। प्रत्येक ज्ञेय को जानने के काल में ज्ञानी को यह जागृति रहती है कि ये जो ज्ञान की अवस्था है, ये ज्ञान की अवस्था में पर्दे की जैसी अवस्था, और उसमें चीरो काटो कपड़ा ही मिलेगा, ऐसे ही ये
प्रति समय ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाले ये पदार्थ, इस ज्ञान की अवस्था में पदार्थ है ही नहीं, पदार्थ अपने में है, कुर्सी कुर्सी में है, दरवाजा दरवाजे में है, ज्ञान में नहीं है। यहां जो अवस्था तैयार हुई है दरवाजे जैसी कुर्सी जैसी, वो अवस्था किसकी अवस्था है? उसमें ज्ञान ही ज्ञान है, उसमें ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं। उस ज्ञान पर जोर, तब वो अवस्था से न्यारा चैतन्य ही दर्शन देगा और ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है। आत्मा की अनुभूति का अर्थ क्या है? चैतन्य 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 चैतन्य, ज्ञान की प्रति समय ये जो जानने 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 रूप परिणमित होने वाली ये अवस्था, इस ज्ञान की अवस्था में ज्ञान ही है और कुछ भी नहीं। और इसके लिए जिसने वो ज्ञान देखा ना, तो ज्ञान देखा तो वो ज्ञान की अवस्था किसे भी जाने, उस पर द्वेष नहीं होता। वो ज्ञान की अवस्था में, ज्ञान की अवस्था में द्वेष हो जाए तो अपने पर द्वेष हो गया। ऐसा मानो कोई मांस खाता तो मांस खाने वाले के ऊपर द्वेष कि नहीं, मांस खाने वाला जो है उसका प्रतिबिंब पड़ा कहां, यहां ज्ञान में, तो ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ा। तो ज्ञान की जो अवस्था है उस अवस्था में मांस आया नहीं आया, पर्दे में अग्नि नहीं गई, तो मांस खाने वाला उस ज्ञान में कहीं नहीं गया। उसमें जहां वो जानना हो रहा है उसमें कौन है, उसमें तो ज्ञान ही ज्ञान है और ज्ञानी को ये जागृति है। इसलिए जो भी ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं ज्ञानी को उसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो विरोध ज्ञान के प्रति विरोध होगा, वह जागृति रहती है। सहज रूप से यह जागृति रहती है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ये जो श्लोक है ना, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। वृत्ति आत्मा में किस प्रकार की, ये जो वृत्ति है उसे समझाने के लिए ये बात बताई कि कभी ऐसा होता है कि प्यास लगी, सबको एक प्रकार का परिणाम नहीं है। प्यास जब लगी तब यहां इस श्लोक में देखो कि एक प्रकार का परिणाम नहीं है, अलग अलग परिणाम। कोई कहता है कि पानी चाहिए, क्या पानी दो, पानी कि कैसा कि ठंडा पानी। दूसरा कहता है ठंडा, अकेला ठंडा मत लाना, थोड़ा मीठा भी लाना। तो ठंडा और मीठा ये तो हो गया, शरबत हो गया। बोले यहां नहीं है, काम करते चलो रेस्टोरेंट में जाते वहां पिएंगे। तो रेस्टोरेंट में ऑर्डर दिया, शरबत लेके आओ, ठंडा मीठा और सुगंध वाला, क्योंकि चमड़ी ने ये कहा कि ठंडा चाहिए, जीभ कहती है मीठा चाहिए, नाक कहता है सुगंध वाला चाहिए, आंख कहती है कि भाई रंगीन गुलाबी रंग का लाना, और पी रहे थे मजा नहीं आ रहा था। तो वेटर को बोला कि थोड़ा गाना चला देना, तो कान कहते हैं कि गाना भी सुनना है और ये पीना भी चल रहा है, सुनना भी चल रहा है, ये पांचों इंद्री। और तब विकल्प आता है, मेरा दोस्त भी यहां होता तो कितना, तो मन कहीं और होता है। पांचों इंद्री और मन ये कहीं ना कहीं ऐसे उपयोग जो भटकता है, वो ये बताते कि वृत्ति हमारी किस प्रकार की होती है, उस वृत्ति का स्वरूप इस श्लोक में समझाया है। ऐसी चैतन्य तत्व की रुचि जगे कि जिस चैतन्य तत्व की रुचि में किसी भी प्रकार की ज्ञान की अवस्था के काल में ज्ञान मात्र की अनुभूति हो। जैसी तीव्रता कषाई की होती है उतना अधिक मांग करता है, ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए। इसमें ये बता रहे कि ज्यादा से ज्यादा मांग, अधिक से अधिक, मुझे ठंडा भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, सुगंधित भी चाहिए, रंगीन भी चाहिए,
संगीत भी चाहिए, ये जो ज्यादा से ज्यादा जो मांग है वो अपनी मांग नहीं है, वो इंद्रियों के विषयों की वो जो मांग है उस मांग के लिए। ऐसी ही वो विषयों की इच्छा ज्यादा होती है तो जैसे इसलिए रात्रि भोजन का त्याग और ये सब जो पता है उस कारण से कि वृत्ति उसकी कम हुई, उस वजह से अब रात्रि को भोजन वो नहीं करता, वृत्ति कम मत, उसकी वृत्ति मंद हुई कि अब मैं दिन में भोजन करूंगा। वो अंतर की वृत्ति की वो खाने का लोलुपी अब इतना कम हुआ है उस कारण से। और फिर भी किसी किसी को ऐसा होता ना कि इतना दिखता है तो भी खाने का मन होता है। कभी कभी देखा हो वो भारत में भी कहीं शादियों में भी इतने जीव जंतु उड़ते हैं, थाली में गिरते हैं तो भी कुछ लोग ऐसा हाथ रखते, मैंने देखा है लोगों को कि ऐसा रात को भोजन करते तो भी ऊपर ऐसा रुमाल रख करके नीचे से ऐसे खाते, वो खाने का रस नहीं छूटता, ढक करके खाएंगे मगर खाऊंगा ऐसा करके भी। वो जो तीव्रता है उसके बारे में यह बताया है कि जैसे जैसे कारण हमारे सामने आते हैं ऐसे विषय लोलुपी जीवों में कार्य उस प्रकार के होते हैं। और रात्रि भोजन, जमीन कन, मांस भक्षण, शराब पीना, ये सब वो विषयों की पकड़ को ये बताता है, कहीं ना कहीं पकड़। ऐसे ही आपने देखा हो आत्महत्या करने वाला कि जिसको अब बस अब यहां से अभी कोई मोह नहीं रहा, इतना थक गया कि आत्महत्या करने, मगर कहीं ना कहीं उसे पकड़ है। आत्महत्या करने वाले को अनुकूलता की पकड़ है, वो अनुकूलता उसको नहीं मिली इसलिए मरना है। उसको ऐसे ही नफरत नहीं हो गई शरीर से। एक आदमी जा रहा था आत्महत्या करने के लिए, मुझसे मिला, मैंने देखा उसे, मैंने कहा कहां जा रहे हो, बोले आत्महत्या करने, मतलब हाथ में छाता लेकर के, बोले हां इतने बादल दिखते नहीं है, कभी भी बरसात आ सकती है, पटरी में कटने के लिए जा रहा है मगर फिर भी बीच में बरसात आ जाए तो मरना है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं बचाना है। वो जो भाव पड़ा है ना अनुकूलता का, वो भाव वो ये बताते हैं कि हमारे आत्मा में जो वृत्ति है वो वृत्ति सबकी तारतम्य रूप होती है, भाव सबके अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये बात यहां बताइए, मूर्छा सभी जीवों को अलग अलग प्रकार से होती है, ये वर्णन 122वें इस श्लोक में किया। इसके बारे में कभी समय मिला तो विस्तार से वर्णन करेंगे, अभी 122वें श्लोक में इतनी चर्चा हुई है, आज इतना ही। 123वां श्लोक वो भी इसके संबंध में थोड़ा और स्पष्टीकरण करेंगे कि हमारे चित्त की जो वृत्ति है और वृत्ति से न्यारा जो चैतन्य स्वरूप है उस चैतन्य स्वरूप की अनुभूति किस प्रकार से हो। और प्रत्येक ज्ञेयों को जानने के काल में जैसा मैंने आपसे कहा, ज्ञान मात्र की अनुभूति, शरीर यहाँ हाजिर रहे, इंद्रिय यहाँ हाजिर रहे, फिर भी उपयोग यहाँ से गैर हाजिर हो जाए और अंतर्मुख हो जाए, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति आप समस्त परमात्माओं को प्रकट हो। आज इतना ही। Om Namah Shivaya.